पंच महोत्सव नाम के जंगल में दो दोस्त रहते थे, शेर और चीता। वो दोनों इतने अच्छे दोस्त थे कि लोग उनकी दोस्ती का उदाहरण दिया करते थे। कुछ दिनों बाद राजकुमार होने के नाते शेर को राजपाट सौंपा गया। उसी दिन दोपहर को चीता उससे मिलने आता है और बोलता है, बधाई हो मेरे शेरू। इस पर शेर गुस्से में बोलता है, क्या शेरू? मैं कोई शेरू नहीं हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, राजा। और आज से तुम मुझे राजा बुलाया करो। क्या बोल रहे हो तुम शेरू? अगर तुमने और एक बार भी मुझे शेरू बोला तो मैं तुम्हें धक्के मार कर इस जंगल से निकाल दूंगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम खुद चली जाओ। फिर बेचारा चीता जंगल को छोड़कर चला जाता है, परंतु वो घमंडी राजा शेर अपना राजपाट चलाता रहा। एक दिन उसका मंत्री ज़ेब्रा उसे बताता है कि जंगल में एक चोर भालू आया है जो कि सभी का खाना चुरा चुरा कर खा रहा है। इस पर शेर बड़ी ही घमंड भरी आवाज में बोलता है, मेरे राज्य में चोरी, उसकी इतनी हिम्मत, आज के आज उसे पकड़ कर लाओ। इस पर मंत्री ज़ेब्रा बोलता है, जो हुक्म मेरे महाराज। शाम को उस चोर भालू को राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इस पर शेर बहुत ही क्रोधित स्वरों में बोलता है, अच्छा तो तुम ही हो वो दुष्ट भालू जिसने पूरे पंच महोत्सव जंगल में आतंक मचा रखा है। मुझे माफ कर दीजिए राजा जी, कृपया मुझे एक मौका दे दीजिए। कदापि नहीं, हर अपराधी को उसके किए की सजा अवश्य ही मिलनी चाहिए। उसके बाद उस भालू को एक अंधेरी गुफा में बंद कर दिया जाता है। इधर वो शेर राजा ऐलान करता है कि आज से ठीक 2 महीने बाद उस भालू को मारकर दावत दी जाए। इधर हिप्पो को जैसे ही खबर मिलती है कि उसका दोस्त संकट में है, वो तुरंत महाराज के पास जाता है। महाराज, महाराज, मेरे दोस्त को छोड़ दीजिए। बिल्कुल नहीं, आज वो जहाँ है ये सब उसी की गलती है। ना तो वो चोरी करता और ना ही उसे ये दंड दिया जाता। इस पर हिप्पो थोड़ा नाराज हो जाता है और फिर महाराज से बोलता है, महाराज क्या मैं अपने दोस्त से मिल सकता हूँ? हाँ, परंतु सिर्फ 10 मिनट, याद रखना सिर्फ 10 मिनट। हिप्पो वहाँ पहुँचकर बोलता है, दोस्त मैं कहता था ना मत कर चोरी, परंतु तुमने मेरी एक ना सुनी। फिर भालू बोलता है, हाँ दोस्त, मुझे अपने किए का पछतावा है, परंतु क्या हो सकता है मेरे दोस्त। आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ना करें।